अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में देखिए, ये हमारी मशीन है। हमारी मशीन में क्या ख़राबी है कि मोटे कपड़े पे टाँका कहीं कहीं पे छोड़ देती है, और अगर मशीन हल्लू चलाए तो क्या है, सिलाई एक बराबर चलती है, और रफ्तार में चलाए तो क्या, टाँका छोड़ देती है। और दो कपड़े पे सही है, सही चलती है, या पैंट के बेल्ट पे या कॉलर पे सिलाई मारे तो टाँका छोड़ देती है। तो हम सिलाई मार कर देखते हैं कहाँ पे ख़राबी है, ताकि आपको समझाने के लिए आसानी रहे। तो एक फोल्ड कर लिया, ये दूसरा फोल्ड कर लिया। तो सिलाई थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, अभी सिलाई चलाया हूँ, कहीं पे भी टाँका नहीं छोड़ी है, ये देखिए। लेकिन ऐसा जगह पर छोड़ती है जैसे बेल्ट का बारीक काम, या बैग पैकेट का बॉन के ऊपर सिलाई चलाते हैं, या पैकेट का कोना पे सिलाई घुमाते हैं, वहाँ पे टाँका छोड़ती है। ये अभी सीधा सिलाई चला रहे थे, यहाँ पे टाँका नहीं छोड़ रही है। तो अभी दो सिलाई मारे हैं और कहीं पे भी टाँका नहीं छोड़ी है। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी तीन कपड़े का तीन फोल्ड किया है ना, ये चार फोल्ड हो गई, ये पांच फोल्ड हो गई, ठीक है। अब चला कर देखते हैं। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, तो देखिए सिलाई अच्छा दे रही है, कहीं पे भी छोड़ नहीं रही है। लेकिन ये ऐसा होता है कि इससे पहले बताया था आपको, बारीक काम पे टाँका छोड़ती है। अब इसको सही करने के लिए बैठा हूँ तो ये टाँका नहीं छोड़ रही है। इसको फिर डबल करके सिलाई मारते हैं, ये दाब उठा करके इसको राउंड घुमाते हैं। एक ही राउंड भी घुमाया हो तो कहीं पे भी टाका नहीं छोड़ी है। हाँ, यहाँ पे एक टाँका छोड़ी है, देखिए राउंड घुमाया हूँ, यहाँ से गोल गई है, यहाँ पे एक टाँका छोड़ दी है। ये हल्का सा एक टाँका का दाग दिख रहा होगा। अब इसको हम ये पट्टी को डबल पे डबल करके सिलाई मारेंगे। ये देखिए शुरुआत में है ना, यहाँ पे टाँका छोड़ा है, ये देखिए ये, और एक ये टाँका, ये देखिए यहाँ से दिख रही है, एक टाँका छूटी हुई है, और बाकी यहाँ से छोटा है, यानी बेल्ट पे इस तरह मोटा रहती है बेल्ट, ठीक है, तो वहाँ पे टाँका छोड़ रही है। अभी इससे सिलाई काफ़ी लग गई है, मैं इस पर एक एक कपड़ा और बैठा कर सिलाई मारेंगे। ये जो बड़ा घट हो गई है कपड़ा, इसको ढांक देंगे ताकि सिलाई छूट जाए। अब इसके ऊपर से सिलाई मारेंगे। ये देखिए,
यहाँ मोटा से, यहाँ से सिलाई कहीं पे भी टाँका नहीं छोड़ी है, यहाँ तक अच्छा दी है, ठीक है। अभी जब पतला आ गई है ना, तो एक टाँका ये देखिए, एक टाँका यहाँ पे छोड़ दी है। तो ये इस तरह करके मतलब बहुत मशीन बहुत होशियारी से टाँका छोड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, मिलाना बहुत मुश्किल रहती है, क्योंकि ये बहुत बारीकी, जहाँ पे मुझे चेक करना है कि टाँका छोड़ रही है वहाँ पे टाँका नहीं छोड़ रही है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे टाँका छोड़ रही है। और जब हम काम करते हैं तो उस टाइम में ज़्यादा ज़रूरत रहती है पॉइंट के पास मशीन को घुमाना, तो वहाँ पे टाँका खास तौर पे छोड़ती है, पैकेट के पॉइंट पे टाँका छोड़ती है, ठीक है। तो हम इसको फिर से एक बार चेक करेंगे, इसको पहले इसका जड़ पकड़ेंगे, हम एक कपड़ा ले लेंगे, ठीक है, और एक कपड़े के ऊपर हम यहाँ पे बैठाएंगे और इसमें गलफी का कोना निकालेंगे। अब भी मैं इसको गलफी की तरह बनाया हूँ, लेकिन ये टाँका नहीं छोड़ी है, पता नहीं मशीन को क्या हो गया यार। मतलब ये कहीं कहीं पे छोड़ रही है, तो ऐसा चीज़ मिस्त्री के पास उसको ले जाएंगे ना, आप बताने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम आप चेक कीजिएगा तो सही सिलाई देगी, जब आप काम कीजिएगा तो ऐसे ऐसे जगह पे टांगा छोड़ देगी कि वो भी बाद में आप सीधा सीधा सिलाई चलाएंगे तो सिलाई अच्छा देती है। अब और कहीं कहीं पे बारीक काम रहती है वहाँ पर टांगा छोड़ती है, ठीक है। तो हम इसको फिर से डबल करेंगे, इसको डबल पे डबल करेंगे, इसका मशीन का जो औकात होगी वो दिख जाएगी। हाँ, अब इसकी औकात दिख रही है मशीन की। अब देखें, अब जो सिलाई मारा हूँ इसमें एक जगह टाँका छोड़ी है, ये देखिए यहाँ पे टाँका छोड़ दी है, ये टाँका छोड़ दी है बीच में। फिर इसके बाद यहाँ पे टाँका छोड़ी है, यानी दो टाँका छोड़ी है, शुरू से अच्छा चली है, ठीक है। इसका जो खराबी था वो ये यही है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा घट हो गई है, अब एक और ये दो टाका यहाँ पे और यहाँ पे दो टाका छोड़ी है, ठीक है, इतना दूर के अंदर। तो अब हम इसको मशीन को पलटी करेंगे, अब देखेंगे कि खराबी कहाँ पे है। टाका छोड़ने का मतलब कि शटल अगर हिलता होगा तभी वो टाका छोड़ती है, नहीं तो अभी जिस एक बराबर चल रही थी तो एक ही बराबर चलेगी, और इस तरह अगर टाँका छोड़ रही तो शटल में कुछ खराबी है, या शटल सही से बैठा नहीं है, या शटल और सुई में दोनों में लड़ रही होगी। तो हम इसको पहले पलटी करके देख लेते हैं। इस शटल को इस तरह हम पकड़ेंगे, ये आवाज़ आ रही है, बीच में इतना गैप खाली है, शायद इसके वजह से है ना, बारीक काम कर रहे हैं तो टाँका छोड़ रही है। अब यहाँ पे ये गियर बॉक्स के पास खाली हो जा रही है, ये देखिए। हम पहले इसको बिल्कुल अंदर करके और ये वाले बोल्ट को खोलेंगे, अंदर ठेल करके इसको फिटिंग कर देंगे ताकि ये आवाज़ ना आए, ठीक है, तब उसको सिलाई चलाएंगे। तो हम पहले इसको ढीला कर लेंगे, फिर दूसरा बोल्ट को भी ढीला कर लेंगे, दूसरा बोल्ट इसके बाजू में रहती है,
अब इसको पकड़ लेंगे, ठीक है, पकड़ करके अब इसको हम टाइट करेंगे। अब इस तरह दूसरा बोल्ट को भी हम इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे। टाइट हो गई, अब इसको ये आवाज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ और चेक करना है, अभी ज़्यादा टाइट होने से मशीन जाम हो जाती है, तो हम पहले इस चक्की चला कर देखेंगे। तो ये ज़्यादा टाइट नहीं हुई है, थोड़ा सा भारी चल रही है, तो इसमें और इसमें आयल डाल देंगे तो फिर ही चलेगी। और थोड़ा सा मोटर पे है ना, 2 मिनट खाली मशीन को खाली में फिरा देंगे तो ये अगर इसका जाम भी होगा तो ख़त्म हो जाएगी। अब हम मशीन को सीधा करके अब सिलाई चलाएंगे, ठीक है। इसके बाजू से हम सिलाई मारेंगे, ठीक है। अब एक सिलाई और मारेंगे। ये देखिए, ये पहले सिलाई है, जब वो टाँका छोड़ी थी तब घट पे, यहाँ पे टाँका छोड़ी है, ठीक है। अभी एक सिलाई है, दो सिलाई या तीन सिलाई, तीनों को देखते जाएंगे कहीं पे टाँका तो नहीं ना छोड़ी है, ठीक है। ये देखिए, कहीं पे भी टाँका नहीं छोड़ी, खाली फर्स्ट में ये जो था यहाँ पे टाँका छोड़ी थी। उसके बाद से हम वो शटल को जो हिल रही थी फिट कर दिए, तो अभी ये मोटा पे कहीं पे भी टाँका नहीं छोड़ी है। तो इसके वजह से मुझे पहले एहसास हो रही थी कि शटल में आवाज़ आ रही है, इसके वजह से टाँका छोड़ रही थी, लेकिन ये इस तरह आवाज़ आ रही थी तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन शटल में हल्की आवाज़ रहती है, लेकिन कुछ ज़्यादा थी इसके वजह से टाँका छोड़ रही थी। तो ऐसा हुआ, मोटे कपड़े पे आप चेक करें सीधा सिलाई चला कर, और उसमें सही दे रही है, मिस्त्री के पास भी सही सही दे रही है सिलाई। बाद में घर पे लाते हैं, कभी कभी पतले कपड़ा पे भी है ना पॉइंट के पास टाँका छोड़ती है, जैसे कहीं पॉइंट बारीक पॉइंट रहती है गल्फी पट्टी में या पैकेट के पॉइंट में, वहाँ पे टाँका छोड़ती है, या पैंट का बैक पैकेट पे ऊपर से सिलाई मारे तो वहाँ पे टाँका छोड़ती है, और बेल्ट के ऊपर सिलाई जो मारे जड़ में मारते हैं वहाँ पे भी टाँका छोड़ती है। तो शटल खराबी की वजह से ऐसा होती है, शटल में अगर वो लूजिंग हो जाती है तो लूजिंग को टाइट कर लेंगे तो उससे क्या है टाँका ख़त्म हो जाती है, एक बड़ा वो राउंड फिरेगी तो कभी भी टाँका नहीं चढ़ेगी। और वो मोटे में क्या होता है कि मोटे पे ज़्यादा जोर आती है तो शटल ऐसे इस तरह जंप करती है, इस तरह जंप करेगी तो क्या है एक शटल एक राउंड फिर एक बराबर फिरेगी तो टाँका नहीं छोड़ेगी। और मोटे कपड़े पे अगर ये अंदर बाहर हो जाएगी तो क्या है सुई, ये सुई और शटल का पॉइंट है ना दोनों हट जाएगा, तो कहीं पे टाँका छोड़ देती है कहीं पे पकड़ लेती है। तो यकीन है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके बताएं, पूरा डिटेल से बताएं।